तो 1 से 1.5 इंच नी लेंथ से नीचे रहना चाहिए। बहुत वाइब्रेंट पॉकेट स्क्वायर है तो आप दिवाली पे पहन सकते हैं या कोई ऐसी पार्टी में पहन, जैसे आपका वेस्ट कोट फिट होता है वैसे ही होना चाहिए। टॉप 10 ब्रांड्स की जो फैशनेबल भी लगेंगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी देंगे, रीजनेबल ब्रांड्स ये। Hey guys, welcome back to my channel. This is Karan S. Dhingra, your own the formal edit. अब दिवाली आने वाली है, it's all about the festive season. Lights की बात है, त्योहार की बात है, colors की बात है, तो आज हम बात करेंगे Indian ethnic wear की। हर एक occasion, चाहे वो भैया दूज हो, दशहरा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, या दिवाली, या cards party, या office ethnic wear, उसमें कैसे अपने Indian traditional कपड़ों को style करा जाता है, और वो कौन से top 10 brands है जो सस्ते और अच्छे outfits देते हैं, from your kurta to Nehru jacket, आइए बात। ऑफिस एथनिक वेयर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आप वाइब्रेंट कुर्ताज पहन सकते हैं चीनोज के साथ, फॉर्मल शूज या लोफर्स, ज्यादा ऐसे ऐसी चीज हमारे पास नहीं होती, तो आप एक क्लासी वॉच पहन सकते हैं, ओवरऑल आउटफिट बहुत क्लासी लगेगा, या आप शर्ट के साथ नेहरू जैकेट या वाइब्रेंट पॉकेट स्क्वायर पहन सकते हैं। अगर आपको कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सेफेस्ट ऑफिस के लिए कलर जो अच्छे भी लगेंगे दिवाली के टाइम पे है, वो है शेड्स ऑफ ब्लू पहन सकते हैं, ग्रे या मरून पहन सकते हैं। अब कार्ड्स पार्टी में क्या होता है, हमारी सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वाइब्रेंट या बहुत ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं आप, या साइड कट कुर्ता पहन सकते हैं, साइड बटन कुर्तास पहन सकते हैं। अगर आपको एथनिक में कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना है, धोती इज आर बैक, आप धोती पहन सकते हैं, ब्राइट कलर की धोती, ऊपर न्यूट्रल कलर का कोई कुर्ता पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ट्राउजर या साथ में कोई चीनो पहन रहे हैं कुर्ते के नीचे, तो आप फॉर्मल शूज पहनिए या आप लोफर्स पहनिए। अब जब दुर्गा पूजा की बात आती है, तो वहाँ पे फीमेल्स यूजुअली बहुत ब्राइट कलर्स पहनती है, ब्राइट रेड और व्हाइट पहनते हैं, या बिंदीज होती है, या सिल्क वाला वर्क होता है, आप उनके सामने डल ना पड़े तो सिल्क कुर्तास पहन सकते हैं थोड़े ब्राइट कलर्स में, या आप नेहरू जैकेट सिल्क वाली पहन सकते हैं, बट याद रखिए ओवर शाइनी नहीं होना चाहिए, सिल्क या सिल्क ब्लेंड होना चाहिए। उसके बाद आता है दशहरा या भैया दूज, दैट्स नॉट वेरी फॉर्मल, लेकिन बहुत लोग इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, घरों में फैमिली गैदरिंग्स होती है, उसके लिए ऐसा कोई प्रिंटेड कुर्ता या पजामा, कोल्हापुरी चप्पल पहन सकते हैं, या अगर आपको थोड़ा क्लासी रखना है और ज्यादा ओवरडू नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट ओकेजंस होते हैं, तो आप एक अच्छा सा ब्राइट कलर का कुर्ता पहन सकते हैं, साथ में कोई ट्राउजर या पैंट, लेकिन फॉर्मल शूज ना पहनिए, थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, आप बेसिक लोफर पहन सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत है, वीडियो बना रखिए, आप देख सकते हैं। डांडिया की बात आती है, बहुत लोग नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, लेकिन स्टिल मेरा बताना बनता है, आप बेसिक कुर्ता पहन सकते हैं, उसके ऊपर ब्राइट कलर का कोई स्टोल या बंदेज की चुन्नी, मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है ये वाली, इसके अंदर मैंने आपको सिखाया है 100-150 रुपए की जो चुन्नी लेके आप एक बेसिक चीज को एक डांडिया आउटफिट कैसे बना सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगर जब दिवाली की बात होती है, इट्स वन ऑफ द मेन ओकेजन, तो आपको अपना एथनिक बेस्ट लगना है, कोई क्राइटेरिया फॉर्मूला नहीं है ड्रेसअप होने का, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप पूरा हेड टू टो एथनिक पहनिए, शॉर्ट कुर्ता थोड़ा कैजुअल साइड पे जाता है, या कोई ट्राउजर फॉर्मल शूज ना पहने। अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो धोती, हैरम पैंट्स पहनिए, चूड़ीदार पजामी पहनिए, पठानी कुर्ता, डिफरेंट स्टाइल ऑफ कुर्ताज पहनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट ब्राइट कलर को एक्सपेरिमेंट करिए, पूरा ब्राइट नहीं पहनना आपको, आपको एटलीस्ट 2 चीज़ों को ब्राइट रखिए, जैसे हो सकता है आपको कोई नेहरू जैकेट होगी या कुर्ता हो गया या पॉकेट स्क्वायर, 1 से 2 चीज़ों को जरूर ब्राइट रखिए टू फुलफिल द ओकेजन, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कलर्स एंड लाइट, क्योंकि लड़कों के पास ज़्यादा एसेसरीज नहीं होती, जो आपका क्लासी लेवल है वो उतना बढ़ता जाएगा अगर आपकी एसेसरीज पूरी होंगी, जैसे कि पॉकेट स्क्वायर, आपकी वॉच, आपके सैंडल होते हैं एसेसरीज के अंदर, और कोई ब्रोश होता है आप लगा सकते हैं, स्टोल भी होते हैं, बट आपको मैं दिवाली पर सजेस्ट नहीं करूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर एसेसरीज पहनेंगे उसके अंदर पॉकेट स्क्वायर आता है, अब पॉकेट स्क्वायर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कैसे पहने, कई लोग कहते हैं बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, वो बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है कुर्ते के साथ, और तो और क्या, जैसे ये प्रिंटेड कुर्ता मैंने पहना हुआ है, इसका कोई भी एक कलर पहन लिया, इसके ऊपर ब्लैक नेहरू जैकेट पहन ली मैंने, कोई भी एक कलर निकाल लिया, उस कलर का पॉकेट स्क्वायर हो गया। एंड ऑल्सो पॉकेट स्क्वायर डिस्क्राइब द ओकेजन, मतलब अगर बहुत वाइब्रेंट पॉकेट स्क्वायर है तो आप दिवाली पे पहन सकते हैं, या कोई ऐसी पार्टी में पहन सकते हैं, कोई सटल पॉकेट स्क्वायर है तो आप वैसे उसको ऑफिस वेयर में पहन सकते हैं। और तो और कई लोग बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं करते कलर से, ऑल ब्लैक से ऑल व्हाइट पहनते हैं हमेशा, उन लोगों के लिए एक टिप रहेगी, आप अपनी एसेसरी जैसे कि अपना कोई स्लिपर हो गए या शू हो गए या कोई आपका पॉकेट स्क्वायर हो गया, वो थोड़ा सा वाइब्रेंट ले या थोड़ा सा बोल्ड ले या आउटशाइन करे वो, जिससे आपका आउटफिट है वो डल ना लगे। मेरा सजेशन ये रहेगा आपके कुर्ते या नेहरू जैकेट पे पाइपिंग ना हो, ओवर शाइनी ना हो, सिल्क ब्लेंड तक चलता है और कंफर्टेबल फैब्रिक हो। फिटिंग इज द गेम चेंजर, परफेक्ट फिट क्या होता है, शोल्डर से अलाइंड हाथ तक लेंथ इतनी और नीचे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर आप किसी हैवी ओकेजन पे चूड़ीदार पजामे के साथ पहने तो 1 से 1.5 इंच नी लेंथ से नीचे रहना चाहिए। कैजुअली आप ट्राउजर लोफर या आपने फॉर्मल शूज के साथ पहन रहे हैं तो आपका जो लेंथ है वो 1 इंच ऊपर तक भी चलेगा। शॉर्ट कुर्ते इसकी लेंथ इतनी होती है, आप दोनों कुर्ते देख सकते हैं, 300 रुपए का, इसकी फिटिंग अच्छी है, कितना बेटर
बेटर लग रहा है, ये 1800 का है लेकिन इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, कितना बेकार लग रहा है। सो फिटिंग इज द गेम चेंजर गाइज। मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर फिटिंग अच्छी नहीं आई, अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा है तो क्या करें आप, उस पर 30 से 40 रुपए और इन्वेस्ट करें। मैं हर बार करता हूँ टेलर से एक परफेक्ट फिट के लिए, क्योंकि आप 4000 का, 10000 का, 15000 का सेट ले ले लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा अगर फिटिंग अच्छी नहीं है। और जब कुर्ते की फिट की बात आती है, आपके हाथ की जो फिटिंग है वो नैरो होनी चाहिए, आपका जो चेस्ट और वेस्ट एरिया है आधा आधे इंच का हल्का मार्जिन हो, क्योंकि उतारने में आपको प्रॉब्लम ना हो और ब्रीदेबल हो। सेम गोज विद द नैरो जैकेट, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जैसे आपका वेस्ट कोट फिट होता है वैसे ही होना चाहिए, स्टिल वो ब्रीदेबल रहे। अब बात आती है वो टॉप 10 ब्रांड्स की जो फैशनेबल भी लगेंगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी देंगे। अगर आप इनको पहने तो मुझे जरूर टैग करना इंस्टाग्राम पे, मैं इसको रिपोस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला ब्रांड कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला है शतरंज। मैंने पर्सनली इनका येलो कुर्ता पहना हुआ है, सिल्क ब्लेंड से लेके कॉटन सारे कुर्ते अच्छे ओकेजन के लिए। इनकी नेहरू जैकेट्स बहुत अच्छी है, रीजनेबल है ये ब्रांड। दूसरा क्या है, अगर आपको हट के पहनना बहुत पसंद है एथनिक वेयर में, चाहे साइड बटन कुर्ता हो, साइड कट्स हो कुर्ते के अंदर, या कोई प्रिंटेड कुर्ता हो, बहुत कलर एक्सपेरिमेंट करने हो, तो इंडियन गैराज कंपनी बहुत अच्छा है। उसके अलावा क्या, हैंग अप एक ब्रांड है। आपको नेहरू जैकेट यूजुअली बहुत बेसिक मिलती है और बहुत महंगी मिलती है, रीजनेबल नेहरू जैकेट जो बहुत अच्छे प्रिंट्स के साथ मिलेगी, बहुत सारे कलर वेरिएशन में मिलेगी, ये ब्रांड है। इसके बाद ब्रांड आता है नायक, जिनके पठानी कुर्ते बहुत अच्छे हैं, कस्टमर रिव्यूज बहुत अच्छे इस ब्रांड के, और प्लेन नेहरू जैकेट की कलेक्शन बहुत अच्छी है। उसके बाद आता है इंडस रूटेबल पैंटलून्स, 300 रुपए का एक कुर्ता मैंने इनका रिसेंटली पहना था, बजट फ्रेंडली ब्रांड है, मेरा फेवरेट ब्रांड है। और साथ ही साथ इनकी जो नेहरू जैकेट की कलेक्शन है, बेसिक से लेकर प्रिंटेड, बहुत वेरायटी है और बहुत अच्छी है। उसके बाद आता है कौन सा, जेनरिक ब्रांड, इनके डिजाइनर कुर्ते बहुत अच्छे हैं और साथ में इनकी जो नेहरू जैकेट की कलेक्शन है उसमें कलर्स बहुत मिलेंगे आपको। और खादी ग्राम उद्योग, इसके बिना लिस्ट पूरी नहीं है, ये रूरल एरिया के लोगों के लिए और जो खादी बनाते हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन इनकी कलेक्शन भी डिसेंट है। जिनको क्लासिक प्लेन सॉलिड कुर्ते पसंद है बहुत सारे कलर वैरायटी में, या प्लेन नेहरू जैकेट्स पसंद है, उनके लिए बेस्ट ब्रांड है ये। जब क्लासिक कुर्ते की बात होती है तो चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी की बात आ जाती है, सोजान्या करके ब्रांड इस चीज में फेमस है। मैं एक क्लासिक शूट के लिए था उदयपुर महल, उसमें मैंने ये व्हाइट कलर का पहना था, फॉर अनदर क्लासी इवेंट मैंने ये पहना था ऑल ब्लैक चिकनकारी। बताने का पर्पस ये है कि बहुत क्लासी लगता है। उसके बाद कौन सा ब्रांड आता है, फैब इंडिया, वन ऑफ द फाइनेस्ट फैब्रिक्स, थोड़ा सा हाई एंड पे है लेकिन बहुत अच्छा ब्रांड है। जब प्रिंटेड कुर्तों की बात होती है, कलर वैरायटी की बात होती है, नेहरू जैकेट्स बहुत अच्छी है इन लोगों की। और साथ ही साथ दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियन फुटवेयर में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो मैंने निकाले हैं ब्रांड्स आपके लिए। रीजनेबल ब्रांड्स ये रहे जो 200 रुपए से 600 रुपए तक बहुत फैंसी अच्छे सैंडल और कोल्हापुरी चप्पल देंगे, और थोड़े से हाई एंड पे और कंफर्ट के साथ साथ आपको ये मोची ब्रांड है। और दोस्तों, इसके अंदर और भी ब्रांड आ सकते हैं, जैसे कि मानेवर हो गए, और बहुत हाई एंड ब्रांड्स हैं। पहली बात तो बजट में थोड़े हाई हैं, और दूसरी बात क्या है, वो ज्यादातर वेडिंग की साइड में है, तो मैंने उनके अभी नाम नहीं लिए। और अगर आपको वेडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ड्रेसिंग स्टाइल चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें।